नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ प्रीति। तो देश का अंतरिम बजट पेश होने में अब कुछ ही घंटों का समय बचा है। लोकसभा चुनाव से पहले पेश हो रहा यह बजट आर्थिक और सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि इस बार के बजट में थोड़ा बदलाव हुआ है। इस बार 1 फरवरी को नियमित वित्त मंत्री अरुण जेटली की बजाय कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही बजट से पहले ये जानना जरूरी है कि बीते एक साल में आर्थिक मोर्चे और आम जनता से जुड़ी हुई चीजों के मोर्चे पर देश कहां खड़ा है। दरअसल एक साल में शेयर बाजार की स्थिति में बदलाव आया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2018 को आखिरी पूर्ण बजट पेश किया था। इस बजट से पहले 31 जनवरी को सेंसेक्स 35,970 के स्तर पर रहा तो वहीं निफ्टी 11,020 के स्तर के पार कारोबार कर रहा था। लेकिन एक साल बाद 31 जनवरी 2019 को सेंसेक्स 35,750 के स्तर पर है, जबकि निफ्टी करीब 50 अंकों की तेजी के साथ 10,700 के स्तर पर है। तो वहीं एक साल में रुपए की बात करें तो पिछले साल के बजट से पहले 31 जनवरी 2018 को डॉलर के मुकाबले रुपया 63.66 रुपए के स्तर पर था, जबकि एक साल बाद 31 जनवरी 2019 को $1.71.6 के बराबर है। वैसे ही सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और महंगाई दरों में अलग अलग स्तरों पर बदलाव देखने को मिला है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि 2019 के बजट सत्र में आम लोगों के लिए क्या राहत भरी घोषणाएं मिलती है, या फिर 2019 में महंगाई का बोझ आम जनता पर देखने को मिलेगा। इस बार के बजट में महिलाओं को भी इस बजट से काफी उम्मीद है। वहीं व्यापारियों के लिए भी आशा की किरण इस बार का बजट लेकर आएगी। साथ में क्या सोचते हैं निवेशक और किसानों को कितनी है उम्मीद, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। महिलाओं को उम्मीद है कि बजट में हायर एजुकेशन को स्टार्ट किया जाएगा और एजुकेशन लोन पर ब्याज कम हो जाएगा। सरकार का दावा है कि मुद्रा योजना से लोन की 74% लाभार्थी महिलाएं हैं। तो वहीं ग्रोसरी की कीमत घटने से लेकर सोने के वस्तुओं की कीमत में कमी तक महिलाएं बजट से उम्मीद रखती है। एजुकेशन लोन पर दिए गए इंटरेस्ट अमाउंट पर सेक्शन 80E के तहत टैक्स छूट मिलता है। वहीं 2006 में इसकी शुरुआत में इसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले 10 साल में पढ़ाई के खर्च में हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए इसकी टैक्स छूट सीमा को समय को थोड़ा सा राहत दिया गया है। तो इस बार के बजट में क्या है ऐसा खास, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे राजेश कोठारी अर्थशास्त्री, साथ ही वीएस कोठारी रिटायर्ड कमिश्नर इनकम टैक्स। कोठारी सर, राजेश कोठारी, वीएस कोठारी सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू। सर, इस बार का बजट कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सरकार का आखिरी कार्यकाल है, इस साल 2019 में लोकसभा चुनाव भी है, तो कितना महत्वपूर्ण है इस साल का बजट? प्रीति जी, मेरा यह मानना है कि यह बजट नहीं, ये अंतरिम बजट है, तो इसे बहुत ज्यादा उम्मीद करना बेमानी होगा जी, क्योंकि जाती हुई सरकार है, दोबारा आए या नए कोई नहीं कह सकता आज की तारीख के अंदर। तो अगर हम ये सोचें कि ये बजट विकास का होगा, ग्रोथ का होगा, या एक नई दिशा का बजट होगा, इसमें संशय है, संदेह है। बल्कि मुझे लगता है इस बजट के अंदर, चूंकि इलेक्शन है सामने, जीतना जरूरी है,
हो सकता है आपको खूब सारी लोक लुभावन मन भावन घोषणाओं का भंडार आपको उसमें मिल जाए। अगर अगर जीत गए तो वापस को रिकॉन्साइल करके जुलाई में एक पूरा बजट लेके आएंगे। बाकी इस अंतिम बजट से तो सरकार का वो जो 3 महीने का खर्चा है उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है मेरे को। बाकी विकास ग्रोथ और अर्थव्यवस्था नई दिशा की संभावना उसमें बिल्कुल नजर नहीं आती। जो भी होगा वो देश के अंदर मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा, क्योंकि सरकार घोषणा करेगी, लोक लुभाव घोषणा करेगी, रियायत देगी, छूट देगी। और मेरे हिसाब से जो अभी नया कार्ड चल रहा है कि भाई किसी ने 10% आरक्षण दे दिया तो किसी ने गेहूं माफ कर दिया तो किसी ने लोन माफ कर दिया, ये सारी चीजें कर आगे अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं उन पे एक भारी बोझ आने की आशंका है। तो मेरे हिसाब से इस बजट के अंदर आप ये उम्मीद मत करिए कि देश की आर्थिक विकास पहली प्राथमिकता होगा, मैं वो नहीं मानता। बल्कि पहली प्राथमिकता सरकार की ये होगी कि कौन सी घोषणाएं करें जो मतदाता को लुभा सके और हमें वापस सत्ता में लाने में मदद कर सके। मैं लौटती हूँ सर आपके पास, हमारे साथ वीएस कोठारी जी भी हैं। सर बताएं, लोकसभा चुनाव करीब होने के कारण किसानों और मध्य वर्ग की बड़ी आबादी को इस बार खुश करने का काफी दबाव है सरकार के ऊपर। हेलो, इस बारे में मेरी राय ये है जी कि सरकार जो केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ही कुछ जो है वो सुधार कर सकती है, कुछ नया कुछ ला सकती है, डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं करेगी। इसका मतलब है कि जो मध्यम वर्ग जो खासकर जो उम्मीद रखता है कि इनकम टैक्स स्लैब में उनको कमी हो जाए और या इनकम टैक्स में कुछ राहत मिल जाए, वो मैं नहीं समझता हूँ कि अभी डायरेक्ट टैक्सेस को सरकार छुएगी, क्योंकि अंतरिम बजट है और जो भी नई सरकार आएगी सरकार के ऊपर कितना दबाव, सरकार को कितना दबाव महसूस हो रहा है क्योंकि 2019 का चुनाव भी सरकार के ऊपर सरकार को निश्चित रूप से सरकार दबाव में है। कोई भी सरकार अगर इस समय होती तो चूंकि जब चुनाव आसन्न है, बिल्कुल एकदम सामने चुनाव है और हाल ही में जो जितने विधानसभाओं के चुनाव हुए उसमें सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो उसके कारण जो उन्होंने भी अपने एनालाइज किए हार के कारण, उसमें मुख्यतया जो दो बातें सामने आती है कि किसानों के अंदर जो है थोड़ा किसानों में जो असंतोष है और युवाओं के रोजगार की कमी, तो इन दोनों समस्याओं के ऊपर उनको एड्रेस करना है। और मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स स्लैब में और कोई चेंज किए बिना इनडायरेक्ट टैक्सेस में खासकर खेती के लिए किसानों के लिए निश्चित रूप से इस अंतरिम बजट के अंदर कुछ घोषणाएं होंगी, जिनका कि मैं सोचता हूं कि सरकार केवल एक अपना निश्चय के रूप में प्रकट करेगी और वो लागू नहीं हो पाएगा, वो फुल फ्लेज बजट नहीं है, इसके कारण कोई नए कर वगैरह वो आरोपित नहीं किए जाएंगे। नहीं नहीं, मैं सबसे थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखूंगा, बल्कि सरकार डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी छूट की घोषणा निश्चित रूप से करेगी। क्योंकि उसके मिश्रा चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू। सचिंद्र जी, इस बार सरकार क्या खास घोषणाएं करेंगी अपने बजट सत्र में? देखिए, हम लोग वो क्या कहेंगे इसके ऊपर तो कॉन्क्रीटली अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं तलाश कर सकते हैं। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार सरकार नई योजनाएं लेके आएगी। जो संभावनाएं तलाश कर सकते हैं वो ये है कि देखिए, एक तो युवा वर्ग जो है वो थोड़ा सा चिंतित है अपने भविष्य को लेकर जी, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इंडस्ट्री उद्योग है वो भी थोड़ा सा उनको भी एक्सपेक्टेशंस काफी है। तो युवा और उद्योग को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काफी अच्छी योजनाएं आने की संभावना है। दूसरा जो है टैक्स के जो इनके रैशनलाइजेशन है, जैसे कि 5 लाख तक का जो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई अगर बेसिक एग्जेम्पशन 5 लाख तक हो जाए और उसके बाद की भी जो स्लैब है उन स्लैब में भी थोड़ा रैशनलाइजेशन बेटर हो सकता है, तो एक वो मुझे उम्मीद लग रही है कि वहां पर गुंजाइश है, वहां कुछ संभावना है। तीसरा जो है जो SME सेक्टर है उसके लिए भी काफी संभावना मुझे लग रही है, उसको काफी इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। उसको SME को सेक्टर को अगर कुछ बढ़ावा दिया जाता है तो उससे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स दोनों के ऊपर जो है वो अनुकूल प्रभाव पड़ता है, तो वो एक बहुत बड़ी संभावना लगती है मेरे को। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो इन्होंने कंपनीज के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है जिनका 250-300 करोड़ तक का टर्नओवर है, उनकी लिमिट उनकी जो टैक्स की रेट है वो 25% कर दी, लेकिन इस बार के बजट में सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम की घोषणा करने वाली है,
जी, इससे इस बार के बजट के बाद अगर ये घोषणा कर दी जाती है उसके बाद इस अर्थव्यवस्था पे कितना इसका भार आएगा? देखिए, अर्थव्यवस्था तो जो मेरा विचार है, जो डीमोनिटाइजेशन का और जीएसटी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो अब इकोनॉमी ने उसको जो है झेल लिया है। तो अभी दो ढाई साल के बाद अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में दो ढाई साल तीन साल बहुत ही अच्छे रहेंगे इंडस्ट्री के लिए, और सरकार के पास जीएसटी से डायरेक्ट से भी और इनडायरेक्ट टैक्सेस से दोनों से बहुत अच्छा कलेक्शन आएगा। तो इसलिए सरकार को इंसेंटिव देने में बेसिक इनकम में तो मात्र 1500 रुपए सरकार की तरफ से हर गरीब के खाते में जाएगा। 1500 रुपए से अगर एक भारित किसी परिवार को हम देखा जाए, 1500 रुपए से मेरे को लगता कि ये पूरा एक परिवार चल सकता है। हाँ। क्या इसके लिए पिछली जितनी योजनाएं लागू की गई थी सरकार की तरफ से, इस योजना को लागू करने के लिए उन योजनाओं को बंद किया जाएगा या वापस से उन योजनाओं के साथ ही ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये योजना भी इस बार लागू की जाएगी? मुझे नहीं लगता कि कोई जो पुरानी योजनाएं हैं उनको बंद करने का किसी भी सरकार में साहस हो सकता है। चाहे वो कोई सी भी नई योजना ला सकती है, लेकिन पुरानी सरकार, जब भी बीजेपी ने पुराने टाइम पर भी, जब 2014 में बीजेपी आई थी तब उन्होंने पुरानी कांग्रेस की सरकार की बहुत सारी योजनाओं को बंद करने का दावा किया था। जी जी जी। लेकिन उन सारी योजनाओं को किसी न किसी रूप में उन्होंने आगे लेकर बढ़ाया ही है, उसको पीछे हटाया नहीं है। जी। तो मेरे को ये नहीं लगता, क्योंकि क्या है कि साहब, आप एक बार करदाताओं को या अपने वोटर को कोई भी स्कीम दे देते हो तो उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते कभी भी। जी। जब तक कि आप उसकी जगह बहुत ही अच्छी कोई अच्छी बेहतर स्कीम ना दे सके। चलिए, मैं एक सवाल लेना चाहूंगी वीएस कोठारी जी से। सर, इस बार टैक्स में सरकार किस तरह की राहत दे सकती है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है, सरकार अपनी लिमिटेशन समझती है, ये केवल जो है वो जो अंतरिम बजट जैसा जो है वो केवल है, जो केवल चार महीने के अगले चार महीने के लिए जो सरकार को अपना खर्चा जो है वो स्वीकृत करवाना है, और इसके अलावा केवल वो अपना इंटेंट जाहिर करेगी कि हम किसानों के लिए या क्या करेंगे। एक तो उसमें मेरे को बहुत उम्मीद है कि जैसे तेलंगाना जैसी स्कीम जो है किसानों के लिए पूरे देश भर में केंद्र सरकार अपनी घोषित करे, और दूसरा जो यूनिवर्सल जो बेसिक इनकम है उसका भी अपना इंटेंट जाहिर करे गवर्नमेंट। केवल एक अपना इंटेंशन जाहिर करेगी कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम ऐसा करेंगे। उससे फायदा ये होगा कि एक बार अब जब आप इसके अंदर आप एक तो जो कांग्रेस की और विपक्ष की इस आलोचना से बच जाएगी सरकार कि इन्होंने अपना फुल फ्लेज बजट मान के जो अनाउंस करते हैं, अगर उस आलोचना से बच जाएंगे, और दूसरा एक मतदाताओं को एक अच्छा खासा एक प्रलोभन हो जाएगा कि अगर बीजेपी वापस आती है तो हम ऐसा करेंगे। तो इसी के एक तरीके से जो चुनावी घोषणा पत्र है, चुनावी घोषणा पत्र का ही एक रूप जो है बजट के रूप बजट में आने की मेरे को उम्मीद लगती है। जी, चलिए राजेश कोठारी जी से मैं एक सवाल ले लेती हूँ। सर बताइए जी, क्या 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इस बार हाँ। बीजेपी की सरकार कोई ऐसा दाव बजट के द्वारा खेल सकती है जिससे जनता को लुभावने वादे भी मिल जाए और 2019 भी जीत लिया जाए? प्रीति जी, बिल्कुल, सरकार बड़े जोर शोर से जी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के साथ साथ जी 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 इनकम टैक्स के अंदर जी और वो सारे टैक्स जो कि आम व्यक्ति को प्रभावित करते हैं जी मतदाता को लुभाने के लिए जी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी जी, क्योंकि अभी जो राजनीतिक माहौल ये है जी कि ये इन किन प्रकार जी हमें ये इलेक्शन जीतना है जी, और उस अवस्था में कि जब तीन महत्वपूर्ण राज्य बीजेपी के हाथ से निकल चुके हैं, तो एक राजनीतिक मजबूरी कह लीजिए, और जब राजनीतिक मजबूरी होती है तो आर्थिक सिद्धांतों का सबसे पहले खात्मा किया जाता है, क्योंकि गुड पॉलिटिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स ये दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं। अभी लक्ष्य पर और सरकार के पास में जो 15 लाख लौटाने वाली बात थी या रोजगार की बात थी, वो बहुत कुछ अनुकूल न होने की वजह से सरकार पर यह जबरदस्त दबाव है कि कैसे मतदाताओं को उन मुद्दों से ध्यान हटाकर नए मुद्दों पर लाया जाए ताकि उन सरकार के पक्ष में वोट करें और 5 साल में फिर देखते आगे हम लोग क्या करेंगे। तो अभी जो हालात ये हैं कि अगर सरकार का बस चले तो पूरा कारों का खजाना खोल देंगे आम जनता के लिए कि भाई ये लो और हमें आप वोट दो, क्योंकि वोट बेस्ड राजनीति है, ये मुद्दे काउंट नहीं करते,
या लोकप्रियता, मन भावन, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तर्क, सिद्धांत दो महीने के लिए, तीन महीने के लिए पीछे चले जाएंगे। सिर्फ वो काम जो आम व्यक्ति को लुभा सके उस पर फोकस किया जाएगा। राजेश जी, इस बार छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने अभी चार दिन पहले ही ये वादा वो कर चुके हैं, अगर इस बार कांग्रेस की सरकार आती है तो ये मिनिमम इनकम इस बार पूरे भारतीयों के अकाउंट में जाएगा। नहीं, देखिए, अभी तो राहुल गांधी जी ने वायदा करा है जी। और बीजेपी उस वायदे को, क्योंकि बीजेपी के पास में जो वाक शक्ति है, कहने की जो ताकत है, वो सबसे बेहतर है। हो सकता है वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जगह एक उससे बढ़िया शब्द चुनकर वो लेके आएगी और उससे ज्यादा आमदनी का सरकार वायदा करेगी। अगर यूबीआई में 1.5 हजार की बात करते हैं, हो सकता है सरकार 2 हजार की बात करे। और मतदाता शायद ये नहीं समझ रहा है कि इसका इवेंचुअल भार उसी के ऊपर आने वाला है। आज नहीं कल उसको इसकी कीमत चुकानी होती है, क्योंकि कोई जब भी हम अर्थ के साथ समझौता करते हैं, गलत रीति में चलते हैं, उस खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। और ये हम अतीत में भी देख चुके हैं। सरकार अगर ऐसे लोकप्रियता वाले काम करेगी, निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी होगी। हमारा इतिहास बहुत दूर नहीं है जब इस देश को गिरवी रखने की स्थिति भी हम गुजर चुके हैं। मतलब 20-25 साल किस राष्ट्र के लिए बहुत बड़े समय नहीं होता है। तो मेरी संभावना यह है कि अभी सरकार का एजेंडा सिर्फ यह है, वो सब करना है जिससे मैं चुनाव में वापस आ सकूं। सचिंद्र जी से एक सवाल मैं ले लेती हूँ। सर, जीएसटी से जितने कयास लगाए गए थे कि टैक्स कलेक्शन जितना ज्यादा किया जाएगा, एक लक्ष्य, एक टारगेट तय किया गया था, उस तय टारगेट से अभी तक उस लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं किया गया। मतलब कलेक्शन जो है अभी तक उतना मिला ही नहीं सरकार। उतना तो नहीं किया गया जितनी संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन फिर भी ये मैं मानता हूँ काफी संतोषजनक है। और चूंकि 2.5 साल शुरू के जो टाइम निकला है उसमें बहुत डिफिकल्टीज रही है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में और एक्सेप्टेंस में जी, तो आने वाले 2.5 से 3 साल या मे बी 5 ईयर्स के अंदर अंदर जो है जीएसटी इज गोइंग टू बी वेरी बिग गेम चेंजर। और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत अच्छे फंड्स मिलेंगे अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। चलिए राजेश जी से इसका जवाब ले रहे थे। राजेश सर, ये बताइए, क्या जीएसटी अब आने वाले समय में अपना असर दिखाएगी जैसा कह रहे हैं सचिंद्र जी? जैसा मेरे हिसाब से कलेक्शन तो और कम होने की संभावना है, क्योंकि जिस हिसाब से जीएसटी के टैक्स रेट में कम कर रहे हैं, समायोजन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जीएसटी का कलेक्शन कम होने की संभावना है। और जब तक सरकार की पॉलिसी उद्योगों को, व्यापार को, कल कारखानों को बढ़ाने की नहीं होगी, जीएसटी का कलेक्शन आपको इम्प्रूव नहीं होगा। क्योंकि जीएसटी उसी पे एक इकट्ठा किया टैक्स है। जब लेवल ही कम है, लेवल ही छोटा है काम करने का, तो हम बहुत ज्यादा टैक्स रेवेन्यू की उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते। सचिंद्र जी, जवाब दीजिएगा एक बार। न केवल सरकार के पास ये मजबूरी है कि जीएसटी के अंदर टैक्स को कम करे, बल्कि सरकार को चाहिए कि वो सारी ताकत उद्योगों को, कारखानों को, इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर को बढ़ाने लगा। जितना व्यापक दायरा बढ़ेगा उतना ही टैक्स रेवेन्यू बढ़ने की संभावना प्रबल होती जाएगी। सर, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जीएसटी का, चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जीएसटी का आने वाले 2 से 3 साल में जीएसटी इज गोइंग टू बी वेरी बिग चेंजर इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, और उसकी वजह से डायरेक्ट टैक्स के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ेगा जी। तो गवर्नमेंट के पास फंड्स तो आ जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब वो गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी अच्छी लेकर आती है जिससे कि उद्योग को भी काफी अच्छा विकास हो, उद्योगों का भी, और उद्योगों का विकास होगा तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। टैक्स में राहत देने के लिए सरकार इस बार नई चीजें क्या करेगी, क्या लग रहा है आपको? नई चीजों में टैक्स स्लैब्स में कुछ चेंज हो सकता है पॉजिटिव जी, और कुछ स्कीम्स ऐसी आ सकती हैं जो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिवाइज किया जा सकता है जी, उनकी सब्सिडी भी दे सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं जी। टैक्स इंसेंटिव को जो है आप जोड़ सकते हैं उद्योगों के यू नो एस्टेब्लिशमेंट से और लेबर के उनके यू नो एम्प्लॉयमेंट से, तो ये सब चीजें तो कर ही सकती है सरकार। आई एम वेरी पॉजिटिव, मुझे लगता है अच्छा बजट आएगा इस बार। लेकिन बेरोजगारी को लेके तो पहले से ही मोदी सरकार विपक्ष के कटघरे में खड़ी है, इस बार बेरोजगारी को लेके क्या नया नया क्या होने की घोषणा हो सकती है? बिल्कुल सही बोला आपने, बेरोजगारी वाला जो पॉइंट है ना उसको पर सरकार को इस बजट में एड्रेस करना ही पड़ेगा जी। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता तो सबसे पहले मैं इसी इशू को एड्रेस करता कि किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे जी। चलिए कोठारी जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। कोठारी जी बताइए, राजेश जी बताइए, इस बार क्या सरकार
बेरोजगारी के मुद्दे को सीधे टारगेट करेगी? क्या लगता है, पिछले चार साल या पांच साल में तो सरकार का ऐसा रवैया बेरोजगारी की तरफ नहीं दिखा, अब इस बजट में ऐसा क्या नया बेरोजगारी को लेकर सरकार करने वाली है? मेरे हिसाब से तो सरकार फिर एक कोई नया जुमला लेके आएगी, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जी। अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, इन सब के पीछे मूल भावना ये थी कि लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति दी जाएगी, भ्रष्टाचार से मुक्ति दी जाएगी। मैं बेरोजगारी मामले में ये बता दूं कि अभी भी इस देश में रोजगार उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, क्योंकि पिछले दो ढाई साल सरकार ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया अर्थव्यवस्था का, नोटबंदी के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, उससे इंडस्ट्रीज पे, उससे व्यापार पर एडवर्स इम्पैक्ट आया है, लोगों की नौकरियां खत्म हो चुकी है। अब इसका जो सुप्रभाव है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आते आते आएगा, पर आज की हालत में मुझे नहीं लगता कि ये दोनों जो गेम चेंजर हम लोग बोलते हैं उससे रोजगार में वृद्धि हुई है। दूसरी बात, सरकार अब क्या करेगी कि वो जो एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम गरीब के लिए है, वैसे ही कोई बेरोजगारी भत्ता उन सब लोगों के लिए सरकार इंट्रोड्यूस करेगी। अब ये जो अर्थव्यवस्था है वो अत्यधिक मुद्रास्फीति से गवर्न होगी, न कि मुद्रास्फीति की डिमांड से। तो आशंका यह है कि सरकार के जो भी कदम होंगे, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं लौटती हूँ आपके पास, एक सवाल वीएस कोठारी जी से। पिछले बजट में भी टैक्स के बदलाव की बड़ी उम्मीद जताई गई थी, लेकिन वित्तीय कारणों से सरकार ने ऐसा ऐलान नहीं किया, क्या कारण थे? क्या इस बार भी सरकार ऐसा कर सकती है? सरकार, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बार मैं बिल्कुल भी आशावान नहीं हूं कि बजट के अंदर कोई बहुत ज्यादा घोषणाएं होंगी, इसलिए मैं तो इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि ऐसी घोषणाएं जब नहीं होंगी तो मुद्रास्फीति बढ़ने का कोई कारण ही नहीं है जी। फिजिकल जो प्रूडेंस का जो अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं तो वो मैं सोचता हूं कि ये सरकार उसको कायम रखेगी। अभी भी जो है उन्होंने वित्तीय घाटे के ऊपर बहुत लगाम रखी है, 3.3% के नीचे रखा है, और तो जो उस बातों का पूरा ध्यान में रखते हुए टैक्स में अभी रिलीफ की मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। नई सरकार जब आएगी, क्योंकि फाइनेंस बिल जो लागू होता है वो अप्रैल से लागू होता है, और उसमें जो भी रेट्स लागू होती है, वो रेट्स जो दी जाती है वो पूरे साल के लिए लागू होती है जी। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि इस आधे अधूरे बजट के अंदर है फाइनेंस बिल, मेरे हिसाब से फाइनेंस बिल आएगा ही नहीं, केवल आय और जो खर्चे का जो है वो उसकी जो है उसका डिटेल जो है वो विवरण दिया जाएगा और उसकी मंजूरी ली जाएगी। और जो आगे क्या करने वाली है सरकार, खासकर किसानों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए, वो केवल अपना एक इंटेंशन जाहिर करेगी और कोई नए कोई तरह के टैक्स जो है वो लगाने से बचेगी। वीएस कोठारी जी का अंतिम सवाल, वीएस कोठारी जी का अंतिम सवाल, इस बार राजस्थान को इस बजट से क्या मिलेगा, क्या उम्मीद और क्या कयास लगाए जा रहे हैं? मैं जो जैसा देखता रहा हूँ अभी तक जितने भी बजट आए हैं वो किसी स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, और इसके कारण ऐसा कोई विशेष नहीं है, न कोई राजस्थान की कोई पहले कोई विशेष मांग कोई केंद्र सरकार के पास में पेंडिंग है जो जो कि सबको सब सर्वविदित हो, ऐसी कोई मांग कोई पर्टिकुलर किसी हेड में, जैसे पिछली बार जैसे कुछ साल पहले जैसे जिस तरीके से वो रिफाइनरी का इशू था, अभी ऐसा कोई बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। तो इसलिए मैं तो मुझे उम्मीद नहीं है कि राजस्थान कोई स्पेसिफिक कोई बजट में अलग से कोई घोषणाएं की जाएंगी, और न ही कोई राजस्थान में कोई चुनाव ड्यू है कि इस तरीके से उसके बारे में कोई। चलिए, समय की पाबंदी होने के कारण हम इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो आप सभी मेहमानों का न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज इस डिबेट में बस इतना ही, तो देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।